हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए आज सर्कल का एक क्वेश्चन करेंगे आपके रिवीजन के लिए। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, वो इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये वो इज़ द सेंटर, और यहाँ क्यू आर इज इक्वल टू पी ओ एंड एंगल ओ आर पी, ओ आर पी बार में ये 20 डिग्री दिया है। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विथ रीजन, ठीक है। तो अभी ये बेसिकली सर्कल का क्वेश्चन है। तो और यहाँ पर एंगल प्रॉपर्टी दिया है, तो एंगल के बारे में आपको सोचना है और आपको एक्स निकालना है। एक्स इधर में है और ये 20 डिग्री इधर में दिया है, तो इसको अभी यहाँ से लिंक करके एक्स तक आपको पहुँचना है। तो आप देख सकते हैं कि ओ पी इज इक्वल टू क्यू आर है एंड ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू होगा, ये रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एंड ओ पी इज इक्वल टू क्यू आर है गिवेन, देयरफॉर ओ क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, है ना। तो इसका मतलब है कि ओ क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तब हम उसका अपोजिट एंगल्स, इक्वल साइड का अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट ये है, तो दैट मीन्स एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है। तो ये 20 डिग्री हमें निकल गया। नाउ एंगल ओ क्यू पी, दिस इज इक्वल टू 20 प्लस 20, ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ओ क्यू आर, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में आ गए, ये 20 ये 20, तो ये एक्सटीरियर एंगल 20 प्लस 20 ये 40 हो जाता है, एंगल 40 डिग्री। अभी हम ये भी बोल सकते हैं एंगल ओ पी क्यू, दिस इज ऑल्सो 40 डिग्री। रीजन है, पहले हमने लिखा पी ओ इज इक्वल टू ओ क्यू। अभी ये ट्राइंगल में पी ओ क्यू में एंगल 40 प्लस एंगल 40 प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री, तो ये 100 डिग्री हो गया। पी ओ क्यू ये 100 डिग्री हो गया। तो अभी हम देख सकते हैं टी एस इज द स्ट्रेट लाइन, तो हम एक्स प्लस 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट एंगल है, तो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 120, दैट इज 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया।